नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा उल्टी को रोकने के कौन कौन से कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, इसको किस तरह से रोके। घरेलू इलाज बहुत ही बढ़िया इलाज है दोस्तों, आसानी से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे आप दबा कर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आप कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, एक बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, यूँ तो उल्टी आम बात होती है, लेकिन इसका कुछ ऐसे घरेलू उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जिसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बहुत जल्दी राहत मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत परहेज करना चाहिए खाने में। पानी को उबाल कर ठंडा करके उसमें जो है नींबू निचोड़ कर रोगी को पिलाते रहना चाहिए। अगर रोगी को भूख ना लगे तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर दही या लस्सी के साथ खिलाएं। भोजन को पेट भर ना खाकर थोड़ा थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा भोजन करें। गर्भावस्था के दौरान उल्टी होने पर सूखा आलू बुखारा चूसना चाहिए। मौसमी का रस निकाल कर इसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए। तो यह कुछ आहार था। नींबू को काट कर उसमें थोड़ा काली मिर्च सेंधा नमक डाल के आप जो है ले सकते हैं। तो नींबू को जो है आप काट दीजिए, उसमें थोड़ा काली मिर्च डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल के इसको चूसिए, इससे भी राहत मिलेगी। गर्मी के मौसम में हल्के गर्म पानी से रोगी को नहाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से उपाय हैं इससे। पुदीन हरा, जी हाँ दोस्तों, पुदीन हरा हम सभी जानते हैं। तो 6 मिलीलीटर पुदीने का रस और लगभग 1/4 ग्राम सेंधा नमक पीसकर ताजे पानी के साथ थोड़ी थोड़ी देर में पीने से उल्टी समाप्त हो जाएगी। यूँ तो आपको गोलियाँ भी बाजार में मिल जाएगी पुदीने हरे की, वो भी ले सकते हैं। कपूर के रस की 3-4 बूंद पानी में मिलाकर रोगी को पिलाने से उल्टी आना बंद हो जाता है। तुलसी, 10 मिलीलीटर तुलसी के पत्ते के रस में 1 ग्राम छोटी इलायची पीस के डालें। इसे 10 ग्राम चीनी के साथ खाने से पित्त की गर्मी से होने वाले उल्टी में आपको निश्चित राहत मिलेगी। तुलसी बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तुलसी के रस, ताजे प्याज के रस, जी हाँ तुलसी के रस होता है उसमें ताजा जो है प्याज का रस में शहद मिलाकर पीने से उल्टी जो है वो आना बंद हो जाएगी। दूब, हरी दूब के 1 चम्मच रस को काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से उल्टी आना बंद होता है, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो जो है कुटकी, 3 ग्राम कुटकी के चूर्ण को 6 ग्राम शहद में मिलाकर खाने से उल्टी आना बंद हो जाता है। तो कुटकी जो मिल जाएगी आपको बंसारी की दुकान में, वो ले लें और 6 ग्राम शहद में मिलाकर लें, उससे जो है आपका उल्टी आना बंद हो जाएगा। मुलैठी आपको आसानी से मिल जाएगी बाजार में, मुलैठी लाए, मुलैठी लाल चंदन में पीस कर दूध में मिलाकर पीने से उल्टी समाप्त हो जाती है। मौलश्री के सूखे छाल को आग में जलाकर 1 गिलास पानी में डालकर बुझा लें और इस पानी को छानकर पीने से दर्द वाली उल्टी बंद हो जाती है। तो जो उल्टी में दर्द आता है वो समाप्त हो जाता है। मरोड़ फली, 6 ग्राम मरोड़ फली का चूर्ण चावल के पानी में मिलाकर जो है थोड़े से शहद मिलाकर पीने से हर प्रकार की उल्टी बंद हो जाती है। तो आप लाइए मरोड़ फली 6 ग्राम, पंसारी की दुकान में मिल जाएगी आपको आसानी से, तो वहाँ जाए, वहाँ से ले आए। आक तो आपको कहीं भी, जिसे मदार का बोलते हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाता है, घर के आसपास को कहीं भी मिल जाता है। तो 10 ग्राम मदार की जड़ की छाल, जो उसका जड़ होता है उसकी छाल चाहिए, और 20 ग्राम जो हमें काली मिर्च चाहिए, और 50 मिलीलीटर जो है वो अदरक का रस मिला लें और इसे जो है चने के आकार की गोली बना लें। चना जो होता है छोटा वाला देसी चना,
उतने आकार की गोली बना लें। ये दो गोली गर्म पानी के साथ लेने से पेट के सारे रोग और उल्टी दूर हो जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको छोटी सी मात्रा लेनी है, एक चने के दाने के बराबर। गेरू, गेरू की एक डली को आग में गर्म करके 125 ग्राम पानी में डालकर ठंडा कर लें। इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर में दो दो चम्मच की मात्रा में पीने से उल्टी आना जो है वो बंद हो जाएगा। अजमोद, जहाँ दोस्तों अजमोद को हम सभी जानते हैं, अजमोद और लौंग के फूल, ये लौंग का जो फूल है इनको जो है आप तो ये लौंग है तो लौंग के फूल और शहद, शहद मिलाकर चाटने से उल्टी बंद हो जाती है। अजमोद का चूर्ण 2-5 ग्राम की मात्रा सेवन करने से उल्टी आने का भय नहीं होता। अगर को पानी में घिसकर पीने से उल्टी आना बंद होता है। ईट को बहुत गर्म करके पानी में बुझाकर उस पानी को ठंडा करके उल्टी से पीड़ित रोगी के को पिलाने से उल्टी आना बंद होती है। अतीस और नागरक इसकी चूर्ण को मिलाकर सेवन करने से उल्टी आना रुक जाता है। चंदन, चंदन का फूल और आंवले का रस, जहाँ दोस्तों चंदे का फूल जो हमें चाहिए, चूर्ण चाहिए चंदन का, और आंवले का रस, जहाँ दोस्तों आंवले का रस चाहिए, एक एक चम्मच लेकर शहद में मिलाकर पीने से उल्टी आना जो है वो बंद हो जाता है। बहुत फायदेमंद है दोस्तों चंदन और आंवला। चंदन को आंवले के रस के साथ घिसकर 20 ग्राम की मात्रा सेवन करने से उल्टी आना बंद हो जाता है। गिलोय, गिलोय का रस और मिश्री मिलाकर 2-2 चम्मच प्रतिदिन 3 बार खाने से उल्टी आना बंद हो जाता है। करंजवा, करंजवा के मुलायम पत्तों को पीसकर सेंधा नमक में मिलाकर खाने से उल्टी बिल्कुल रुक जाती है। मकोए, मकोए के रस में सुहागा मिलाकर पीने से उल्टी बंद हो जाती है। नमक, काली मिर्च पीसकर नमक के साथ सेवन करने से उल्टी आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों नमक है और जो आप इसको जो काली मिर्च के साथ पीस लें, काली मिर्च होती है उससे पीस लें और इसको लें, इससे जो उल्टी आना बंद हो जाएगा। गर्म पानी में नमक मिलाकर पीने से उल्टी आना बंद हो जाता है। तो नमक पानी अगर पीते हैं तो भी उल्टी आना बंद हो जाता है। अगर के रस में चीनी मिलाकर गुनगुना करके पीने से उल्टी मिचलाना आना सब ठीक हो जाता है। अफीम नौसाद और कपूर बराबर मात्रा में लेकर पीसकर पानी के साथ मिलाकर मूंग दाल के दाने के बराबर, जी हाँ दोस्तों मूंग दाल का दाना तो उसके बराबर आपको लेना है, इससे जो है आपको राहत मिलेगी। सेब, कच्चा सेब में सेंधा नमक मिलाकर खाएं, इससे उल्टी आना बंद हो जाएगी। हींग को पानी में पीसकर पेट पे लेप करने से पेट की गैस नष्ट होती है और उल्टी आना बंद हो जाता है। अनार के बीज पीसकर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर खाने से उल्टी आना और घबराहट दूर होती है। शहद बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, गुड़ में शहद मिलाकर सेवन करने से उल्टी आना बंद होता है। शहद में जो है आप लौंग का चूर्ण मिलाकर खाएं, इससे भी जो है आपको उल्टी आना बंद होगा। अदरक हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इससे वोमेंटिंग जो है रुक जाती है। एक चम्मच अदरक के रस में एक चम्मच जो है आपको नींबू का रस मिलाकर इसे दिन में कई बार पिए, इससे जो है आपको उल्टी आना बंद हो जाएगा। चावल का पानी, अगर आपको गैस की वजह से वोमिटिंग हो रही है तो ये नुस्खा बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए आप सफ़ेद चावल लें, ना कि ब्राउनी। सफ़ेद चावल का स्टार्च बहुत अधिक होता है तो जल्दी पच जाता है। तो एक कटोरी चावल को 2-3 कटोरी पानी के साथ उबालें, जब पक जाए तो इसका पानी अलग कर दें। आप इस पानी को हल्का नमक डाल के पिए, बहुत राहत मिलेगी। लौंग बहुत ही फायदेमंद है, लौंग खाएं तो लौंग जो है दोस्तों हर तरह से फायदेमंद है। लौंग और दालचीनी जो होती है, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीने से उल्टी जो है वो आना बंद हो जाती है। तो दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है। एक कप उबलते पानी में एक चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल लें, आपको
इसका पाउडर नहीं है तो आप स्टिक भी डाल सकते हैं और थोड़ा देर रहने दें, फिर छान लें। अब इस पानी को जो है इसमें जो है थोड़ी सी शहद डाल लें, शहद डाल के पिए, इससे जो है आपको जो है जो उल्टी आना बंद होगा। विनेगर बहुत फायदेमंद है, एक गिलास पानी में एक चम्मच जो है एप्पल विनेगर डालना है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखें एप्पल विनेगर डालना है और इसे लें, इसे उल्टी आना बंद होगा। पुदीना बहुत ही फायदेमंद है, प्याज करस बहुत ही फायदेमंद है, सौंफ, सौंफ हमारे लिए बहुत, सौंफ हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है, इसमें एंटीबायोटिक होता है। तो एक कप पानी उबाल लें, उसमें एक चम्मच पीसी हुई सौंफ मिलाकर इसे 10 मिनट तक पकाएं, फिर छान कर 2 दिन तक पानी पिए, इससे जो है जो उल्टी आना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।